पहला क्वेश्चन ये है और एक इन्फॉर्मेशन ये है कि जितने भी हिंदी के स्टूडेंट हैं, हिंदी लैंग्वेज के स्टूडेंट हैं, जितने भी इंग्लिश लैंग्वेज के स्टूडेंट हैं और जो सीडीपी की तैयारी कर रहे हैं, सीडीपी भी पढ़ रहे हैं साथ साथ, आज के क्वेश्चंस आप सभी के लिए बहुत ही वैल्यूएबल है, तो आप सभी को देखना है। ऐसा नहीं है कि जो हिंदी वाले स्टूडेंट है वो इंग्लिश का नहीं देखेंगे और इंग्लिश वाले ही स्पेसिफिकली देखेंगे, नहीं नहीं नहीं, आपके लिए भी है और इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश सभी के लिए है, ठीक है। आज आते हैं क्वेश्चन पे गाइस। देखो पहला क्वेश्चन आज का कहता है, व्हेन यंग लर्नर्स सीम टू लूज इंटरेस्ट इन अ लेसन द टीचर शुड, अगर यंग लर्नर्स यानी बच्चे की बात हो रही है, अल्टीमेटली बच्चे यंग लर्नर्स, ठीक है, अगर उनको इंटरेस्ट नहीं आता है लेसन में तो टीचर को क्या करना चाहिए, उनको अलाउ कर देना चाहिए कि वो जा करके खेले, या उनको बोल देना चाहिए आज कल तो स्लीप फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए वो सो जाए, या फिर उनको एक स्टोरी सुनानी चाहिए, या फिर उनको बोलना चाहिए कि वो कुछ समय के लिए चुपचाप से बैठ जाए। बताइए भाई कौन सा एप्रोप्रिएट आपको लग रहा है, आपको कौन सा एप्रोप्रिएट लग रहा है कि क्लास में बच्चे को कभी टीचर बोलेगी जाओ भाई तुम्हें पढ़ना नहीं है तो तुम खेल लो, ठीक है, ऐसा बोलेगी नहीं, यानी कि ये तो नेगेटिव हुआ, ये आंसर नहीं होगा आपका। सोने के लिए कभी भी नहीं टीचर बोलेगी क्लास में, बेटा आप नहीं पढ़ने का मन कर रहा है तो आप एक काम करो तकिया लगा के सो जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जब छुट्टी हो जाएगी तो मैं जगा दूंगी, नहीं, बिल्कुल क्रिएटिव आंसर नहीं है आपका। जो एप्रोप्रिएट आंसर है वो है सी, टेल देम अ स्टोरी। अगर बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है लेसन में तो टीचर उसको स्टोरीज बताएगी, और स्टोरीज क्या होती है, बहुत ही क्रिएटिव होती है ना, बहुत ही एंटरटेनिंग होती है, तो टीचर एक स्टोरी उसी टॉपिक का उसी लेसन पर बेस्ड उसको सुनाएगी ताकि बच्चा एंटरटेन हो जाए और उसके बाद से वो लेसन में इंटरेस्ट लेने लगे, ठीक है। सो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर गाइस हो जाता है करेक्ट। आ जाते हैं नेक्स्ट पे, द प्राइमरी एम ऑफ टीचिंग लर्निंग इंग्लिश इज टू डेवलप, हमारा मेन एम क्या होता है इंग्लिश पढ़ाने का, एज अ टीचर आपका क्या एम होता है, पहली चीज तो आप सभी को बताना है कि एम और ऑब्जेक्टिव में क्या डिफरेंस होता है, स्टूडेंट्स बताएंगे कि एम क्या होता है और ऑब्जेक्टिव कमेंट सेक्शन में आना चाहिए, ठीक है। एक्सप्रेशन स्किल, रीडिंग स्किल, कॉन्वर्जेशन स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल क्या होना चाहिए, तो भाई कोई भी लैंग्वेज कम्युनिकेशन के लिए ही यूज की जाती है ताकि हम वार्तालाप करें, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करें, प्रकट करें हम, तो यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन स्किल हो जाएगा, कॉन्वर्जेशन इसी में इंक्लूड हो जाता है, रीडिंग स्किल एक अलग बात हो जाती है कम्युनिकेशन से बाहर, एक्सप्रेशन स्किल जो है ये आप कम्युनिकेशन में भी आप क्या करते हो इसको इंक्लूड कर देते हो, मतलब अगर आप बातचीत कर रहे हो तो एक्सप्रेस ही कर रहे हो, ठीक है। सो कम्युनिकेशन यहाँ का सेकेंड क्वेश्चन का आपका बन जाता है क्या एप्रोप्रिएट आंसर, आप सभी को कॉमेंट सेक्शन में बताना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम और ऑब्जेक्टिव, ठीक है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पे, लर्नर्स नीड टू ब्रेन स्टॉर्म ideas, organize them, draft, edit and revise their work. This is a process of. भाई यहाँ पर फिर से मैं क्वेश्चन को पढ़ दूंगी, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया है मैं समझती हूँ। लर्नर्स नीड टू ब्रेन स्टॉर्म आइडियाज, ऑर्गेनाइज यहाँ पर कॉमा होगा, ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइज देम, ड्राफ्ट देम, एडिट एंड रिवाइज देम, यानी कि कोई भी चीज अगर लर्नर कर रहा है तो उसको वो उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसको ड्राफ्ट कर रहा है, उसको एडिट कर रहा है, उसको रिवाइज कर रहा है, ये कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सुनना, अगर कोई चीज हम सुनते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनो, अगर कोई चीज हम सुनते हैं तो क्या हम उसको क्या करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको रिवाइज करते हैं, उसको एडिट करते हैं, बिल्कुल एडिट वाला काम तो हम सुनने में कभी नहीं कर सकते, हमने कुछ सुना, हमने कोई आवाज सुनी तो उसको एडिट तो नहीं कर सकते, राइट, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अगर मैं कोई चीज बोल रही हूँ तो मैं एडिट नहीं कर सकती, ऑर्गेनाइज वे में, बहुत कम ही लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइज इंक्लूड होता है बट ऑर्गेनाइज वे में नहीं बोल सकते, उसको हम ड्राफ्ट नहीं कर सकते, स्पीकिंग को हम ड्राफ्ट नहीं कर सकते, तो वैसे ये इतना ही समझने से एलिमिनेट हो जाता है। राइटिंग, अगर आप कोई चीज लिख रहे हो तो ऑर्गेनाइज वे में उसको लिखते हो, आप ड्राफ्ट करते हो, उसको एडिट करते हो, उसको रिवाइज करते हो, इसलिए आपका यहाँ पर राइटिंग आंसर हो जाता है करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। रीडिंग में भी आप अगर पढ़ रहे हो तो आप एडिट नहीं कर सकते हो, ये इससे तो आप गेस ही कर सकते हो कि आपका फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा, आपका आंसर क्या होगा सी हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। आ जाते हैं नेक्स्ट पे गाइस,
नेक्स्ट वाला भी कुछ इसी से ही रिलेटेड है, पॉज, स्ट्रेस, इंटोनेशन आर एसोसिएटेड विद। अगर इंसान, अगर देखो कोई भी चीज आप कर रहे हो उसमें पॉज ले रहे हो, स्ट्रेस और इंटोनेशन, यानी कि आप कोई काम कर रहे हो, यहाँ पर ऑप्शंस के थ्रू समझेंगे, कॉम्प्रिहेंशन, स्पीकिंग, राइटिंग एंड साइलेंट रीडिंग। कोई चीज, अब अगर आप बताओ, अगर आप राइटिंग करते हो, इंटोनेशन का वैसे तो मतलब होता है उतार चढ़ाव, कि जैसे अगर मैं गुस्से से बात कर रही हूँ आपसे तो मेरी आवाज में क्या होगा, उतार चढ़ाव होगा, मैं कोई बात बोलूंगी तो बहुत ऊंची आवाज में बोलूंगी, फिर अगर मैं शांत हो गई तो मैं नीची आवाज में बोलूंगी, तो ये हमारा इंटोनेशन होता है। बहुत ही स्ट्रेस से हम बोलते हैं, बहुत दबाव से बोलते हैं, तो हम बोलने में ये यूज करते हैं टेक्निक, राइट? जब भी बोलते हैं तो ये टेक्निक हम यूज करते हैं, तो इसलिए हमारा स्पीकिंग यहाँ पर हो जाता है, राइटिंग नहीं होगा, राइटिंग में इंटोनेशन नहीं आता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्पीकिंग हो जाएगा। बताइए साइलेंट रीडिंग क्या होता है? साइलेंट रीडिंग को वैसे बेसिकली हम इंटेंसिव रीडिंग भी बोल सकते हैं। जब आप साइलेंट मोड में कोई चीज पढ़ते हो तो आप उसकी चीजों को, जो भी उसमें उसमें जो भी सब्सटेंस रहता है उसको आप क्या करते हो, उसको आप समझते हो, मतलब आई मीन उसको एकदम अच्छे से, आप इंटेंसिव रीडिंग का मतलब होता है गहन अध्ययन करना, ठीक है? तो आप उसकी सारी चीजों को स्कैन कर लेते हो, तो साइलेंट रीडिंग इंटेंसिव रीडिंग में आता है। फिलहाल इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका स्पीकिंग, पॉज, स्ट्रेस एंड इंटोनेशन आर एसोसिएटेड विद स्पीकिंग स्किल, ठीक है? नेक्स्ट आ जाते हैं, होलिस्टिक इवोल्यूशन। होलिस्टिक इवोल्यूशन का मतलब होता है ऑल ओवर डेवलपमेंट, ठीक है, ऑफ द लर्नर्स इज डन बाय, भाई अगर लर्नर का यानी हमारे स्टूडेंट का हम ऑल ओवर डेवलपमेंट की बात करें तो हम कैसे कर सकते हैं? यूनिट इवैल्यूएशन से कर सकते हैं, टर्म इवैल्यूएशन से कर सकते हैं, सेशन या इवैल्यूएशन से कर सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन से हम क्या करते हैं, होलिस्टिक इवैल्यूएशन करते हैं बच्चे का, कि बच्चे को अभी तक की क्या चीजें समझ में आई और क्या बाकी है। बहुत बार मैंने क्वेश्चन कराया है, अगर आप मेरे सीटेट के प्लेलिस्ट में जाओगे गाइस तो आपको वहां पर जो वीडियोस मिलेंगी अधिकतर मैंने इस पर भी क्वेश्चंस कराए हुए हैं, आज रिपीट हो गया है, और बहुत ही न्यू टॉपिक पर भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, तो पैडागॉजी, आपकी इंग्लिश पैडागॉजी उसी प्लेलिस्ट से काफी इंप्रूव हो जाएगी, आपको काफी कुछ हेल्प मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आप अभी अपने आप को तैयार करना चाहते हो सीटेट 2021 के लिए, आप एकदम रेडी हो, तो आपको वो प्लेलिस्ट जरूर एक बार देखनी चाहिए, आपको काफी हेल्प करेगी, ठीक है? तो आप जाकर के उनको देखिएगा जरूर। आ जाते हैं नेक्स्ट पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्टी हैबिट ऑफ साइलेंट रीडिंग। मैंने साइलेंट को बताया, इंटेंसिव रीडिंग जब हम अपने मैटर को स्कैन करते हैं, सब्जेक्ट मैटर को जब हम स्कैन करते हैं, स्कैन करने का मतलब होता है जितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सब हम वहां से उसको लेने की कोशिश करते हैं, रिसीव करते हैं, जितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सब रिसीव करते हैं, तब वो हम कब करते हैं, साइलेंट रीडिंग में करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर ये कह रहा है कि साइलेंट रीडिंग की फॉल्टी हैबिट कौन सी है, ड्रॉइंग इंफरेंसेस, मतलब आप ड्रॉइंग कर रहे हो और उसमें कल्पना कर रहे हो, फाइंडिंग मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स थ्रू कॉन्टेक्स्ट, भाई ये आंसर तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सही है। अगर आप कोई भी टेक्स्ट पढ़ रहे हो, राइट, अगर आप कोई भी टेक्स्ट पढ़ रहे हो तो आपको उस टेक्स्ट में एक वर्ड की मीनिंग नहीं आ रही है, ऐसे बहुत बार होता है कि जब भी हम इंग्लिश पढ़ते हैं या फिर जब भी हम हिंदी पढ़ते हैं तो कुछ ऐसे डिफिकल्ट वर्ड्स आ जाते हैं जिनकी मीनिंग हमको नहीं पता होती है, तो वहां पर हमें क्या टेक्निक फॉलो करनी चाहिए, हमें कॉन्टेक्स्ट से रिलेट करके उसकी मीनिंग को जानना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि जो कॉन्टेक्स्ट है उसी से रिलेट करके उसकी मीनिंग भी हो सकती है, ठीक है? अब यहाँ पर फॉल्टी हैबिट बता रहा है तो ये तो पॉजिटिव है, इट मींस यहाँ ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है? आंसर क्या हो जाएगा, प्रोग्रेसिव आई मूवमेंट्स। भाई प्रोग्रेसिव आई मूवमेंट्स की अगर हम एक लाइन पढ़े तो दूसरी लाइन पर भी हमारी नजर रहे कि आगे क्या होने वाला है, फिर तीसरी लाइन पे हमारी नजर रहे, तो ये प्रोग्रेसिव आई मूवमेंट्स होता है, तो ये तो बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, ये भी इसका मतलब आंसर नहीं होगा। डी ऑप्शन यहाँ पर देखो, रीडिंग द टेक्स्ट राइटिंग। और टेक्स्ट की राइटिंग से क्या आपको मिलने वाला है, कुछ मिलने वाला है, कुछ प्रोडक्टिव मिलने वाला है, बिल्कुल नहीं, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है, फॉल्टी हैबिट ऑफ साइलेंट रीडिंग, ठीक है? सो अब साइलेंट रीडिंग मतलब इंटेंसिव रीडिंग, ऐसी रीडिंग जहां पर आप सब्जेक्ट मैटर को स्कैन करते हैं ताकि वो चीजें आपको समझ में आ जाए, ठीक है? नेक्स्ट आ जाते हैं, इंग्लिश इन इंडिया इज नॉट टॉट एज। इंग्लिश इंडिया में फॉरेन कैसे नहीं पढ़ाया जाता, फॉरेन लैंग्वेज की तरह कंपल्सरी स्कूल की तरह,
लैंग्वेज ऑफ कॉम्प्रिहेंशन की तरह या लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन की तरह? बताएं नंबर से आप सभी को आंसर करना है, राइट? इंग्लिश इंडिया में नहीं पढ़ाया जाता है, किस तरह से? फॉरेन लैंग्वेज की तरह नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है? इसको सेकेंड लैंग्वेज मानते हैं, बट ये फॉरेन लैंग्वेज की तरह इंग्लिश नहीं पढ़ाया जाता है इंडिया में। कंपल्सरी स्कूल तो नहीं होगा, ठीक है? कंपल्सरी स्कूल नहीं होगा, कंपल्सरी स्कूल थोड़ी ना होता है। लैंग्वेज ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। अब लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन होगा इन्हें बातचीत करने के लिए, बट फॉरेन लैंग्वेज की तरह नहीं पढ़ाया जाता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा, ठीक है? ग्रामर शुड बी टॉट, एकदम सेम आपकी सेवन क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन आपका आ गया आपके सामने। ग्रामर को पढ़ाना चाहिए किस तरह से? हेल्प लर्नर्स रीड इंग्लिश करेक्टली, डेवलप लर्नर्स बेसिक लैंग्वेज स्किल, मेक लर्नर्स नो द रूल्स ऑफ द लैंग्वेज, हेल्प लर्नर्स राइट इंग्लिश करेक्टली। भाई अगर वो ये भी सही है, ये भी सही है, मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होगा? देखो गाइस, सीटेट में आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट तक पहुंचना है। आप खुद से एलिमिनेट करेंगे आंसर्स को, देखेंगे कि कौन सा ज्यादा अप्रोप्रिएट है। आपने सीडीपी में भी यही चीज पढ़ा है, और मैंने कई क्वेश्चंस ऐसे ही प्रैक्टिस कराए हैं कि जो मोस्ट अप्रोप्रिएट हो, जो पिन पॉइंट करे, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अब पढ़ने से तो ग्रामर नहीं आएगा, पढ़ने से तो ग्रामर नहीं आएगा, इसका मतलब पहला आंसर नहीं हो सकता है। बेसिक लैंग्वेज स्किल अगर आपने बच्चे की डेवलप कर दी है, बेसिक लैंग्वेज स्किल अगर आपने बच्चे की डेवलप कर दी है कि भैया आप अगर कोई चीज ऐसे कि आई सेल गो टू द मार्केट, अब आई विल सेल की जगह आप आई विल का भी यूज करते हैं, तो बेसिक लैंग्वेज स्किल हम बच्चे की अगर मतलब यू नो सेंटेंसेस जो भी हम इंग्लिश में बोल रहे हैं, तो वो उसकी डेली रेगुलर बेसिस पे वो जो लैंग्वेज बोलता है उसी से ही रिलेटेड अगर उसको इंग्लिश बोलना हम सिखा रहे हैं, तो ग्रामर इसके इस तरह से बहुत ही इसके थ्रू ग्रामर बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब है कि आप बहुत ही डिफिकल्ट रूल्स को अगर आप बेसिक लैंग्वेज लैंग्वेज में आप उसको जैसे जो भी लैंग्वेज बोलता है उस लैंग्वेज में आप उसको कन्वर्ट करके पढ़ा रहे हैं, तो ग्रामर बहुत ही अच्छे से बच्चे को समझ में आ जाता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। मेक लर्नर्स नो द रूल्स ऑफ द लैंग्वेज, भाई रूल्स को रोट लर्निंग हो जाएगा ना। कभी भी सीटेट में कभी भी कोई भी आंसर इस तरह से आएगा कि रोट लर्निंग पर ज्यादा फोकस किया जाएगा, तो वो आपका आंसर कभी भी नहीं हो सकता। हेल्प लर्नर्स राइट इंग्लिश करेक्टली, बिल्कुल, लेकिन आंसर जो क्या होगा वो आपका अप्रोप्रिएट, तब तो ये राइटिंग स्किल पे चला जाएगा, ठीक है? ये राइटिंग स्किल है। अभी ग्रामर सीखना है तो बेसिक लैंग्वेज जो उसका है उसी से ही बेस्ड उसको ग्रामर सिखाना है, ठीक है? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्टी हैबिट ऑफ साइलेंट रीडिंग। भाई आपको यहाँ फिर से एक आंसर आपको क्वेश्चन मिल गया है, आपको आंसर बताना है कि फॉल्टी हैबिट क्या है साइलेंट रीडिंग की। गेसिंग द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड, बिल्कुल नहीं, ये तो आपका बहुत करेक्ट आंसर है कि अगर आपको कोई मीनिंग कोई डिफिकल्ट वर्ड है जिसकी मीनिंग आपको नहीं पता है, तो आप उसकी मीनिंग को कॉन्टेक्स्ट से गेस कर सकते हैं। वो मूविंग आईज विदाउट हेड वैगिंग, अपनी आंखों को मूव करना, अगर आप साइलेंट रीडिंग कर रहे हैं, बहुत ध्यानपूर्वक कोई चीज पढ़ रहे हैं, अपनी आंखों को मूव कर सकते हैं यहाँ से वहां, और आप अपने हेड को ना मूव करके अपने आंखों को मूव कर सकते हैं, ताकि आपको एक दो तीन दूसरी तीसरी लाइन पे आपको पहुंचना है, ठीक है? अंडरस्टैंडिंग द यूज ऑफ प्रोनाउंस, भाई बिल्कुल, अगर आप साइलेंट रीडिंग कर रहे हैं तो आप प्रोनाउंस भी समझेंगे, नाउंस भी समझेंगे। अब यहाँ आंसर क्या नहीं हो सकता है? यूजिंग डिक्शनरी फॉर अंडरस्टैंडिंग, आपको जब भी कोई चीज साइलेंट रीडिंग में, अब साइलेंट रीडिंग बहुत ही गहन अध्ययन कर रहे हैं, इंटेंसिव रीडिंग कर रहे हैं, तो वहां पर आप डिक्शनरी का यूज क्यों करेंगे? डिक्शनरी का यूज नहीं करना होता है कभी भी, आपको क्या करना होता है, आपको कॉन्टेक्स्ट से रिलेट करके वर्ड की मीनिंग वहां पर जाननी होती है। कॉन्टेक्स्ट क्या है जो आप पढ़ रहे हैं, और उसी के थ्रू आपका वो वर्ड जो डिफिकल्ट है उसकी मीनिंग क्या हो सकती है, ठीक है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा गाइस? फॉल्टी हैबिट ऑफ रीडिंग में आ जाता है आपका यूजिंग डिक्शनरी, बिल्कुल डिक्शनरी का यूज नहीं करना है, कॉन्टेक्स्ट से रिलेट करके मीनिंग को जानना है, ठीक है? नेक्स्ट, English is considered to be the second language in our state because it is only available at home. Second language है तो home पर available नहीं होगा, फिर तो वो mother tongue हो जाएगा। Only available in the school, available in the school and surroundings, available everywhere. Second language इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि ये जो है हमारा हर जगह पर क्या होता है, available होता है, इसलिए इसको जानना जरूरी होता है, ठीक है? तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाता है करेक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्पस ऑफ क्रिएटिंग राइटिंग, रचनात्मक तरीके से लिखने की कौन सी पर्पज नहीं है, कौन सा उद्देश्य नहीं है? सेल्फ एक्सप्रेशन, कमांड ऑफ लैंग्वेज,
रेपिटेशन भाई, अगर आपने क्रिएटिव राइटिंग की है तो सेल्फ एक्सप्रेशन तो करेंगे ही कि आप एक्सप्रेस क्या करना चाहते हैं, आप बोलना क्या चाहते हैं। कमांड ऑफ लैंग्वेज, आपको उस भाषा पर पूरा पूरा आपका कमांड है। और रेपिटेशन अगर आप कर रहे हैं बार बार, एक वर्ड की बार बार रेपिटेशन कर रहे हैं, तब तो वो क्रिएटिव रह ही नहीं गया, फिर वो क्रिएटिव नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या है, विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्पस, तो रेपिटेशन हो जाएगा भाई। रेपिटेशन अगर आप बार बार वर्ड्स की कर रहे हैं तो फिर तो वो क्रिएटिव रहा ही नहीं, वो तो मोनोटोनस हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पे, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री। तीन ये यहाँ पर जो आपके चार ऑप्शन है, इसमें से एक ऐसा कौन है जो डिफरेंट है इन तीनों में से, ठीक है? आपको एक बताना है। असाइनमेंट, एग्जामिनेशन, टेस्ट, इवैल्यूएशन। तो आपका आंसर हो जाएगा इवैल्यूएशन, मूल्यांकन करना। आप मूल्यांकन करते हो तो ये तीनों चीजें उसमें आ जाती हैं, असाइनमेंट्स भी आ जाते हैं, एग्जामिनेशन भी आ जाते हैं, टेस्ट भी आ जाते हैं, इवैल्यूएशन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है? नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न्ड विद द रियल लाइफ सिचुएशन। रियल लाइफ सिचुएशन से कौन यहाँ संबंधित है? फंक्शनल, तो फंक्शन से ही वो रिलेटेड होगा, स्ट्रक्चर से रिलेटेड होगा, प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर से, ये भी आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। फॉर्मल ग्रामर जो होता है, फॉर्मल ग्रामर को हम रियल लाइफ के एग्जांपल्स के थ्रू हम सीखते हैं, ठीक है? सो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। फॉर्मल ग्रामर जब भी हम सीखते हैं तो आपकी रियल लाइफ की जो भी चीजें हैं उन वर्ड्स को बार बार यूज करते हैं, और इस तरीके से आपका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट आ जाते हैं गाइस। Crossword puzzle is used during the stage of lesson. Crossword puzzle, आप जानते हो ऐसे crossword जो sudoku आता है, आपने खेला भी होगा। तो sudoku में ऐसे कुछ words दिए होते हैं जिनको आपको क्या करना होता है, जिनको आपको match कराना होता है, ठीक है? कुछ words दिए रहते हैं, कुछ letters दिए होते हैं, उनको आपको match कराना होता है। अब ये आप करोगे कैसे, कैसे कर सकते हो? जब आप pre-reading करो या फिर post-reading करो। जब आप पोस्ट रीडिंग किए हुए होते हैं, यानी उस वर्ड को आप जानते हैं, तभी तो उस वर्ड को इसमें मैच कर पाएंगे। यानी क्रॉस वर्ड पजल इज यूज्ड ड्यूरिंग द पोस्ट रीडिंग स्टेज ऑफ लेसन। आपको पहले से उस वर्ड के बारे में पता है तो आप गेस कर पाते हैं कि इन लेटर्स को जोड़ करके ये हमारा यहाँ पर ये वर्ड बनेगा। क्लियर? तो यहाँ पर पोस्ट रीडिंग आपका क्या हो जाता है, करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, ठीक है? वाइल रीडिंग नहीं होगा, पढ़ते हुए तो वर्ड्स को गेस नहीं कर सकते। प्री प्रेपरेशन वो अलग बात हो जाती है, पोस्ट रीडिंग जो आपने पहले से पढ़ रखा है, प्री रीडिंग आपको उसी दौरान आपने जो पढ़ा वो प्री रीडिंग होता है, ठीक है? नेक्स्ट, डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद। भाई बहुत आसान आंसर है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आपको पता है जो डिसलेक्सिया होता है वो आपका रीडिंग से रिलेटेड होता है, तो आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन, ठीक है? सो 15 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, और आप लोगों को अभी क्या करना है, आप लोगों को ये सेशन शेयर करना है, लाइक करना है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है? अब हम कंटिन्यू करने वाले हैं और हम लाइव सेशन करेंगे। लाइव सेशन आप हमसे जुड़िएगा, आपके क्वेश्चन का हम आंसर करेंगे, काफी इंटरेक्टिव सेशन होगा हमारा, और इसलिए आपको जुड़ना है हमारे साथ में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आपको करना ही है, ठीक है? और आपकी जो भी डाउट्स हैं वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे जरूर, ठीक है? सो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।